अरुणा वसेपुर नाम के गांव में एक सरकारी स्कूल में बतौर टीचर काम करती थी। वो बचपन से ही स्कूल टीचर बनना चाहती थी, बच्चों का फेवरेट टीचर थी। एक दिन अचानक से अरुणा की बस एक्सीडेंट में मौत हो गई। अरुणा के माता पिता बहुत रोने लगे। स्कूल के शिक्षक और छात्र भी आकर अरुणा की लाश के सामने रोने लगे। अरुणा की आत्मा रोते हुए सभी लोगों को देखकर वो खुद भी रोने लगी। अरुणा की आत्मा रोज स्कूल जाया करती थी। एक दिन वो हेडमास्टर के कमरे में जाकर, हेडमास्टर जी, मुझे स्कूल से बहुत लगाव है, मैं अभी भी बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ, इसी स्कूल में भटक रही हूँ, मौका देंगे तो फिर से मैं पढ़ाना चाहूंगी। अरुणा की आवाज हेडमास्टर के कानों तक नहीं गई। हेडमास्टर अपने काम में व्यस्त थे, उसे कुछ सुनाई नहीं दी। अरुणा बोलती गई पर हेडमास्टर कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। परेशान होकर अरुणा क्लासरूम के ओर गई, अपने छात्रों के सामने खड़ी होकर उनसे, ओ मेरे प्रिय छात्रों, क्या तुम मुझे देख पा रहे हो? मैं तुम्हारी फेवरेट टीचर अरुणा बोल रही हूँ। मैं तुम लोगों को पढ़ाना चाहती हूँ, क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच पा रही है? अरुणा बोलती गई पर उसकी आवाज बच्चों तक नहीं पहुंची। वो बिचारी रोती रही पर किसी बच्चे ने उसके तरफ ध्यान तक नहीं दिया। अरुणा की आत्मा स्कूल में भटकती रही। रोज वो बच्चों के आने की राह देखती थी और बच्चे जाने तक वहीं पर रहती थी। दिन बीतते गए, हेडमास्टर और सारे बच्चे धीरे धीरे अरुणा को भूलते गए। अरुणा को वो बात खटकने लगी। कुछ दिनों के बाद अरुणा के जगह पर एक नई टीचर आई। वो टीचर बच्चों को पढ़ाई कम और पनिशमेंट ज्यादा देती थी। बात बात पर वो बच्चों को डांटती रहती थी और छोटी छोटी गलती के लिए उन्हें मारती थी। मारने के बाद वो बच्चों से, देखो बच्चों, अगर किसी ने मेरी शिकायत हेडमास्टर से या फिर अपने माता पिता से की है तो याद रखना, इससे भी दुगना सजा तुम लोगों को दूंगी। बच्चे डर गए और टीचर की ज्यादती बढ़ती रही। अरुणा की आत्मा को बहुत गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। एक दिन अरुणा एक पेड़ के ऊपर बैठी थी, तब अचानक वहाँ से एक साधु गुजर रहा था। अरुणा साधु के पास जाकर पहुँच गई। साधु ने अरुणा को देख लिया। तब वो साधु अरुणा से, बेटी तुम फिक्र मत करो, तुम किस बारे में मुझसे बात करने आई हो मुझे मालूम है। तुम्हें मैं ऐसी ताकत दूंगा ताकि तुम उस नए टीचर को सबक सिखा पाओगे और अपने छात्रों तक तुम्हारी आवाज पहुँच पाएगी। इतना कहकर साधु ने अपने कमंडल से पानी निकालकर अरुणा की आत्मा के ऊपर फेंका। अब अरुणा सीधा हेडमास्टर के कमरे में गई। हेडमास्टर जी, प्रणाम। हेडमास्टर को जब अरुणा की आवाज सुनाई दी तो चारों तरफ वो घूरने लगा। फिर से अरुणा, हेडमास्टर जी, मैं अरुणा, क्या मैं आपको सुनाई दे रही हूँ? अरुणा, हम तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, तुम हमेशा के लिए हमारे दिल में रहोगे, हम तुम्हारी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। मास्टर जी, मेरी आत्मा तो इसी स्कूल में है, मैं अभी भी हमारे छात्रों को पढ़ाना चाहती हूँ, अगर आपकी इजाजत हो उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर वो हेडमास्टर के सामने के दीवार पर नए टीचर द्वारा बच्चों को की जा रही अत्याचार अरुणा ने मायावी तरीके से सीधा प्रसारण दिखाया। नई टीचर छात्रों को मारते हुए हेडमास्टर देखकर घबरा गया। वो तुरंत जाकर उस टीचर को रंगे हाथ पकड़ लिया और उसे स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया और अरुणा की आत्मा फिर से उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दी। केशपुर नाम के गाँव में धनराज दमयंती नाम के पति पत्नी रहा करते थे। कई वर्षों के बाद उनके घर में एक बेटी पैदा हुई, उसका नाम श्रुति रखा गया। पर बिचारी की किस्मत खराब थी, वो पैदाइशी गंजेड़ी थी। माता पिता उम्र के साथ साथ बाल भी बढ़ेगा सोच रहे थे पर वैसा हुआ नहीं। हरी भरी जवानी में भी वो गंजेड़ी ही रही। वो अपनी जवानी में अमर नाम के लड़के से प्यार करने लगी पर उसने उसका प्यार नकार दिया। उससे श्रुति का दिल टूट गया। जो भी रिश्ता उसके लिए आता था सभी लोग छी छी करके निकल जाते थे। आखिर में श्रुति अपने जीवन से निराश होकर खाड़ी में गिर के जान दे दी और वो भूत बन गई। जिस लड़की का भी बाल लंबे होते थे उसको काटना ही उसका मकसद बन गया। उसने लड़कियों का बाल काटना लक्ष्य बना दिया। ऐसे कई साल गुजर गए। उसकी आत्मा उस गाँव के सभी लोगों को परेशान करने लगा। गाँव के सारे लोग
गांव खाली करके निकल गए। गांव के सभी लोग गांव से भाग गए। अब गांव पूरा बंजर बन गया। कुछ साल बीतने के बाद फिर से उस गांव में लोग आकर बसने लगे। कुछ दिन तक श्रुति की आत्मा चुप बैठी रही। गांव में फिर से आबादी बढ़ने लगी। उस गांव का सबसे धनी आदमी मानिकराम के घर एक लड़की पैदा हुई। उसका नाम काव्या रखा गया। बहुत सुंदर थी और उसके बाल भी बहुत लंबे थे। सुंदरता के साथ साथ उसका दिल भी बहुत नेक था। उसके पिता मानिकराम उसके पास आकर, बेटी क्या तुम शहर में जाकर पढ़ाई करोगी? नहीं पापा, मैं शहर नहीं जाऊंगी। मैं यही आप लोगों के साथ रहकर पढ़ाई करूंगी। वैसे भी शहर में रखा ही क्या है पापा, मैं इस गांव को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मानिकराम बेटी की बात सुनकर खुश हो गया। धीरे धीरे काव्या की उम्र के साथ साथ उसकी सुंदरता का भी चर्चा चारों ओर फैलने लगा। वो 18 साल की हो गई। अमीर घराने के लोग आकर काव्या के हाथ मांगने लगे, पर काव्या ने गांव छोड़ने की जिद नहीं छोड़ी। कई साल तक चुप बैठी श्रुति की आत्मा अचानक जाग गई। तब श्रुति की नजर काव्या पे जा गिरी। काव्या की सुंदरता और उसके लंबे केश को देखकर श्रुति की आत्मा के अंदर जलन पैदा हुआ। जब काव्या अपने बिस्तर पर सोई हुई थी, तब श्रुति की आत्मा वहां पर आकर काव्या के सारे बाल काट कर चली गई। सुबह उठकर काव्या जब आईने के सामने अपना चेहरा देखा तो वो आश्चर्य हो गई, पर उदास नहीं हुई। काव्या उसी गंजेड़ी अवस्था में कॉलेज जाने लगी और पूरे गांव में सीना तान के चलने लगी। काव्या की गंजेड़ी हालत देखकर गांव वालों के साथ साथ माँ बाप भी परेशान हो गए। काव्या उदास न होना देखकर श्रुति की आत्मा भी आश्चर्यचकित हो गई। धीरे धीरे काव्या के बाल फिर से बढ़ने लगे। बढ़ते ही तुरंत आकर श्रुति की आत्मा बाल काटने लगी। फिर भी काव्या कभी मायूस नहीं हुई। वैसे ही सीना तान के वो चलने लगी। काव्या के माँ बाप उसके बाल को लेकर चिंतित रहते थे। वो बड़े से बड़े डॉक्टर को बुलाकर काव्या को इलाज करवाए। कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर पाया। एक रात श्रुति आकर काव्या के बाल काटते वक्त काव्या की आंख खुल गई। काव्या श्रुति को देखकर, कौन हो तुम? क्यों तुम मेरे बाल काट रही हो? मैं भी कभी तुम्हारी जैसी एक सुंदर लड़की हुआ करती थी। भगवान ने मुझे सुंदरता तो दी लेकिन बाल नहीं दिए। मैं पैदा इसी गंजेड़ी थी। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी पर उसने मुझे नकार दिया। गांव वालों के ताने सुन सुनकर परेशान हो गई। मेरे माँ बाप मेरे बारे में सोच सोच कर घुट घुट के मर गए। मैं खुदकुशी करने के लिए बेबस हो गई और मैंने ठान लिया जो बेइज्जती मेरे साथ हुई वो सबके साथ होगी। इसलिए उस दिन के बाद हर सुंदर लड़की के लंबे केश को काटना ही मेरा मकसद बन गया। तब काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असली सुंदरता तो रूप से नहीं गुण से होती है। गुण अगर सुंदर से बढ़कर हो तो उसकी कीमत अनमोल बन जाता है। काव्या की बात सुनकर श्रुति की आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। क्या बोले तू? बकवास बंद कर। सुंदरता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या तुम ये साबित कर सकती हो? अगर तुमने साबित कर दी कि सुंदरता से बढ़कर मनुष्य का गुण ही अनमोल है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी और पुनः तुम्हारे केस को वापस कर दूंगी। तुम्हें ही नहीं कभी किसी और को परेशान भी नहीं करूंगी, वादा है मेरा। उसकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ती गई कि शहर से कलेक्टर उससे मिलने के लिए आ गया। कलेक्टर को पहली नजर में ही काव्या से प्यार हो गया। कलेक्टर काव्या के माँ बाप को काव्या का हाथ मांगा। काव्या उस गंजेड़ी अवस्था में ही शादी की। शादी होने के कुछ क्षण पश्चात श्रुति की आत्मा आकर काव्या के सामने हार मानी और वो पुनः काव्या के केस लौटाकर हमेशा के लिए मुक्ति पा गई।